तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो है यहाँ पर ऑब्वियसली टॉप टेक गैजेट्स के बारे में। तो आज जो गैजेट्स मैं आपको शो करूंगा वो यहाँ पर आप खरीद सकते हो सिर्फ 500 रुपए के अंडर में। मैंने इनको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में इनको खरीदते हो तो शायद आपको थोड़े से और सस्ते मिल जाए। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं खुद भी यहाँ पर पर्सनली यूज कर रहा हूँ, तो मुझे काफी यूजफुल लगे एक आधे को छोड़कर, लेकिन यूनिक थे तो मैंने इस वीडियो में उनको इंक्लूड कर दिया है। और होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन गैजेट्स पसंद आए ना आए, लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। 5000 लाइक का हमारा टारगेट, आप जल्दी से कंप्लीट करना, लाइक का बटन दबा दो। और इस चैनल पर नए हो, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहला जो गैजेट है वो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, और ये है एक नाइट लैंप। तो ऐसा सा कुछ सर्कुलर शेप में यहाँ पर ये नाइट लैंप है, और इसको जल्दी से ओपन में करके आपको दिखाता हूँ। और इसकी जो लुक है ये कुछ इस तरह से रहती है। और ये जो नाइट लैंप है ना, आप इसको किसी भी पावर सॉकेट पे डायरेक्टली लगा सकते हो। तो किसी एक रूम से निकाल कर किसी दूसरे रूम में लगाना हो तो वो काफी सही हो जाता है। तो जैसे आप ये जो लैंप लगाओगे किसी भी पावर सॉकेट पे, तो ये जो पूरा पार्ट है ये लाइट अप होता है, तो उसको मैं लगाऊंगा तो दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट भी देखने को मिलते हैं, तो ये चीज सही है। अगर आपने ये लैंप लगाया हुआ तो आप अपना मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज चार्ज करनी हो तो इससे कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक सेंसर दिया हुआ है, और ये एक लाइट सेंसर है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप अपने रूम में लाइट बंद करते हो तो ये जो नाइट लैंप है लाइट सेंस करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर लाइट अप हो जाता है। तो लाइट ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली जल जाएगी, लाइट ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो यानी कि दिन में यहाँ पर ये लाइट नहीं जलेगी, और रात में जैसे अंधेरा होगा तो ये ऑटोमेटिकली जल जाएगी। तो काफी सही सा मुझे नाइट लैंप लगा। और आप अपने इसको बेड साइड पे लगा सकते हो, या फिर किचन में हो गया, कहीं पर भी जैसे कॉरिडोर में भी, तो वहां पर जैसे ही लाइट कम होगी तो ऑटोमेटिकली जल जाता है। तो काफी यूजफुल गैजेट है अंडर 500 रुपीज में। और इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अब दूसरे गैजेट पे हैं आज की वीडियो के। तो ये उन लोगों के लिए काफी सही है जो थोड़ा सा गार्डनिंग वगैरह में शौक रखते हैं। और ये है यहाँ पर एक मॉइस्ट HP मीटर और लाइट मीटर। अब वैसे मैं गार्डनिंग वगैरह इतना ज्यादा नहीं करता, मेरा भाई है वो गार्डनिंग करता है, तो मैंने उसके लिए मंगाया था ये। लेकिन इस मीटर की मदद से आपने जो प्लांट्स वगैरह उनका थोड़ा सा और केयर कर सकते हो। जैसे बताया यहाँ पर आपको मॉइस्चर HP मीटर और लाइट मीटर दिया हुआ है, उसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। और ये जो मॉइस्ट मीटर है ये कुछ इस तरह से दिखता है। जैसा आप देख सकते हो इसके ऊपर यहाँ पर एक मीटर सा है, और यहाँ पर नीचे उसके जो मोड्स हैं आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मॉइस्ट है आपको मेजर करना है, लाइट मेजर करना है, या फिर जो pH लेवल है उसको आपको यहाँ पर मेजर करना है। आई थिंक इससे पहले मैंने इसको HP लेवल बोला था। ये जो pH लेवल होता है बेसिकली आपके जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें यहाँ पर ये कितना एसिडिक है, कितना एल्कलाइन है, तो उससे आप इसको मेजर कर सकते हो, ताकि आप उसमें खाद वगैरह और डाल पाओ। और इस मीटर को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। तो जो भी आपका प्लांट है उसकी सॉइल में आपको यहाँ पर ये जो 2 रोड्स हैं इसको इस तरह से यहाँ पर गाड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपके जो मॉइस्ट लेवल है, या फिर लाइट मीटर है, या फिर जैसे बताया pH लेवल है, उसको यहाँ पर ऊपर से आप मेजर कर सकते हो। तो प्लांट को अगर पानी की जरूरत है, यहाँ पर खाद की जरूरत है, तो यहाँ से आप उसको जज कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी सही लगा यहाँ पर ये जो गैजेट, और जैसे बताया उन लोगों के लिए काफ़ी सही है जो गार्डनिंग वगैरह में शौक रखते हैं। तो काफ़ी छोटा सा लेकिन काफ़ी सही गैजेट है अगर आप अपने प्लांट्स की थोड़ी सी केयर रखते हो तो। और अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अब नेक्स्ट गैजेट की तरफ। तो ये जो गैजेट है ना, बेसिकली गैजेट नहीं है, एक तरह से यहाँ पर इस तरह से एक एनवेलप सा है। और ये जो एनवेलप है ना, इसमें अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक QR कोड है। और ये जो QR कोड है ना, मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था। अब आप बोलोगे भाई QR कोड से क्या ऐसा होगा, तो ये जो QR कोड है बेसिकली आपकी जो डोर बेल्स होती है उनको ये रिप्लेस करता है एक तरह से। जैसे इसके एनवेलप के ऊपर ही लिखा हुआ है डोर V, और लिखा है से गुड बाय टू डोर बेल्स। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो QR कोड है आपको अपने किसी भी डोर वगैरह पे लगाना है, और यहाँ पर ये जो QR कोड है कोई भी आपके घर में, जैसे कोई विजिट करता है, आप अपने घर पे नहीं हो, तो वो यहाँ पर जो QR कोड है उसे स्कैन कर सकता है। और जैसे ही वो स्कैन करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास एक कॉल जाएगी, और वो जो कॉल है उससे आप यहाँ पर उसके जो कैमरा से, उसके जो मोबाइल कैमरा से आप उसको देख सकते हो। तो डायरेक्टली कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो तो यहाँ पर आप उससे बात कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि इस QR कोड को स्कैन करने वाले को किसी तरह से कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करना नहीं होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक सा आइडिया लगा। तो जैसे बताया ये कोई गैजेट नहीं है, यहाँ पर ये एक सर्विस है। तो यहाँ पर इस सर्विस के लिए आपको इसको पे करना होगा। QR कोड तो आप वैसे डाउनलोड करके यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन डोर के अलावा भी आप इसको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। जैसे ये जो QR कोड है अगर मैं आपको दूं तो आप इसको स्कैन करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, और मुझे जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो किसी को देनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने इसको खरीदना हो तो आप इसको अमेजोन से खरीद सकते हो। ऑब्वियसली आप सिर्फ QR कोड नहीं खरीद रहे हो, यहाँ पर आप सर्विस खरीद रहे हो, और यहाँ पर इस सर्विस का नाम है डोर वी। और हाँ, ये किसी तरह से मुझे इस ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया, मैंने खुद से इसे अमेजोन से परचेज किया, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। तो अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट गैजेट की तरफ। और ये जो गैजेट है ना काफी टाइनी, काफी छोटा सा है, लेकिन काफी यूजफुल है अगर आप ट्रैवल करते हो। और ये यहाँ पर एक कोब रिचार्जेबल की चेन लाइट। और कोब का मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने इसको गूगल पे सर्च किया, तो इसका मतलब होता है चिप ऑन बोर्ड। तो की चेन है, लाइट है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और फंक्शन है। तो जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। और ये जो कोब रिचार्जेबल LED लाइट है,
ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो काफी छोटी और काफी टाइनी सी लाइट है, लेकिन भाई इसके साइज में मत जाना, काफी ब्राइट लाइट है, बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। और जैसे बताया यहाँ पर आपको एक रिचार्जेबल लाइट मिलती है, तो यहाँ पर आपको यूएसबी सी पोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक 6 वॉट की एलईडी लाइट मिलती है, और उसके अलावा जैसे बताया था ये की चेन है, तो यहाँ पर आपको कैराबिनर सा दिया हुआ, तो अपने बैग वगैरह पे आप इसको लगा सकते हो। लेकिन उसके अलावा इस की चेन में आपको यहाँ पर एक बोतल ओपनर भी दिया हुआ है, तो ट्रैवल कर रहे हो और थोड़ा बहुत पार्टी करने का मूड भी है तो यहाँ पर आपको एक बोतल ओपनर दिया हुआ है। उसके अलावा पीछे की तरफ इस तरह से आपको एक किक स्टैंड भी दिया हुआ है, तो इसको कहीं पर भी रखना हो तो इस तरह से आप इसको रख सकते हो। और यहाँ पर पीछे आपको एक मैग्नेट सा भी मिलता है, तो कोई भी लोहे वाली सरफेस हो, जैसे कार है कार के बोनेट पे आप इसको लगा सकते हो, या फिर घर में जैसे मैग्नेट लगाते हैं फ्रिज पे, तो उस तरह से आप इसको लाइट को लगा सकते हो। और इस लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे और देख सकते हो यहाँ पर जो लाइट है वो काफी ब्राइट है। इवन मैं यहाँ पर काफी ब्राइट स्टूडियो लाइट में हूँ, लेकिन फिर भी जैसा आप देखते हो इसकी जो लाइट है वो काफी ब्राइट है, और डायरेक्टली यहाँ पर मुझे लगता है कि देखना सही नहीं है, लेकिन जो ब्राइटनेस का लेवल है वो यहाँ पर काफी अच्छा खासा है इसका। और इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, तो एक कंटीन्यूअस लाइट है, उसके अलावा यहाँ पर एक थोड़ी सी डिम हो जाती है, और दोबारा से दबाओगे तो यहाँ पर ये फ्लैश लाइट की तरह काम करता है। तो ये जो लाइट है मुझे लगता है कि आउटडोर्स में या फिर ट्रैवल करते टाइम काफी यूजफुल है। और मैंने जैसे बताया भाई काफी छोटी सी है, काफी पोर्टेबल से है, लेकिन जैसे आपने देखा इसके साइज पे मत जाना भाई, काफी ब्राइट है। और इसके अलावा भी आपको इसमें और भी कुछ फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कैराबिनर है, उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो बोतल ओपनर दिया हुआ है, मैग्नेट है, पीछे किक स्टैंड है, और तो काफी छोटा सा और टाइनी सा गैजेट है और काफी यूजफुल लगा मुझे। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली बोलूंगा इसको अपने बैग में रखो, ट्रैवल नहीं भी करते हो तो भी मुझे लगता है काफी यूजफुल है। और अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट गैजेट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दो, 5000 लाइक हमारा टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करना है, तो लाइक का बटन दबा दो। और इस चैनल पर नए इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अब बात करते हैं हमारे 5वें और लास्ट गैजेट के बारे में, और ये भी जैसा आप देखते हो काफी छोटा और काफी टाइनी सा है। और ये जो गैजेट है ना, मैं अमेज़न पे ऐसे ही सर्व कर रहा था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा, लेकिन कितना यूजफुल है कितना नहीं है वो आप डिसाइड करो। लेकिन गैजेट की बात करूँ तो जो गैजेट है वो यहाँ पर है एक फिंगर रिंग, और ये जो फिंगर रिंग है ना मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था। और ये फिंगर रिंग जैसा आप देख सकते हो किसी भी ऑर्डनरी फिंगर रिंग की तरह ही दिखती है, बट ये जो फिंगर रिंग है ना अगर आप इसको पहनते हो तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको बताती है। तो यहाँ पर जैसा आप देखते हो इसके ऊपर लिखा है सेल्सियस, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिंग में किसी तरह से कोई भी जैसे सेंसर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई भी चिप वगैरह नहीं लगी हुई जैसे आजकल आपके जो स्मार्ट वॉचेस में होता है, बट ये आपका जो बॉडी का टेम्परेचर उसे मेजर करता है जो इसके पेज पे लिखा हुआ था। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको ऑब्वियसली इसको रिंग की तरह ही पहनना है किसी भी फिंगर में। और जैसे बताया था यहाँ पर ये जो जैसे आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा है सेल्सियस, तो ये जो रिंग है यहाँ पर सेल्सियस में जो बॉडी टेम्परेचर उसे मेजर करती है। इसके अलावा यहाँ पर फेरेनहाइट वाली भी एक रिंग आती है, मैंने वैसे फेरेनहाइट वाली ऑर्डर करी थी क्योंकि इंडिया में हम यहाँ पर फेरेनहाइट में जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। और इस रिंग के ऊपर जैसा आप देखते हो अभी यहाँ पर लिखा है 29 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, तो जो भी बॉडी टेम्परेचर रहता है तो वो जो नंबर है यहाँ पर वो ब्राइट हो जाता है। तो अब इसको मैं एक बार अपनी फिंगर पे इस तरह से पहन लेता हूँ, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मेजर करता है। तो अभी से मुझे 2 मिनट ही हुए इसको पहने हुए, और जैसा आप देख सकते हो पहले यहाँ पर 29 शो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे जो है 31 शो कर रहा है जैसा यहाँ पर आप देख पाओ तो कुछ तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन कितना एक्यूरेट है उसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसके अमेज़न के पेज पे लिखा हुआ था कि ये जो रिंग है यहाँ पर आपको जो मूड वगैरह रहता है उसके हिसाब से कलर वगैरह भी चेंज करता है। अब वो कैसे काम कर रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो टेम्परेचर रहता है वो बेसिकली उसी तरह से काम करता है जैसे आपका जो थर्मामीटर होता है ना बॉडी टेम्परेचर सेंस करता है, उस तरह से मेरे को लगता है कि ये रिंग भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करती है। तो काफी यूनिक सा और काफी डिफरेंस है मुझे ये गैजेट लगा, बट जैसे मैं था ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है तो आप सिर्फ यहाँ पर इसको फन के लिए ये ट्राई कर सकते हो। वैसे तो ऐसा मुझे ये कुछ इतना यूजफुल नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ गैजेट जो आप खरीद सकते हो सिर्फ 500 रुपए के अंडर में। जैसे बताया अगर आप ऑफलाइन में खरीदोगे तो शायद आपको और भी सस्ते में मिल जाए, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसे लगे गैजेट ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपका कौन सा फेवरेट था इनमें से वो भी मुझे कमेंट करके बता दो। मेरा जो फेवरेट था मुझे लगता है कि ये है कोब रिचार्जेबल एलईडी की चेन, ट्रैवल के टाइम पे काफी यूजफुल हो सकता है। तो आपका कौन सा फेवरेट था वो आप कमेंट करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, 5000 लाइक हमारा टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करना है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको